हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल एजुकेशनल सक्सेस मंत्र। और जो आज हमारी मैथ की क्लास है उसमें जो टॉपिक रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर में फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। जी हाँ, आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इस पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही ईजी है। आइए स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन है, देखिए अपने पास फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 7/11 -15/17। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7/-3। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 1/3 -5/6। तो आइए वन बाय वन इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो हम ले रहे हैं 7/11। जी हाँ, इसके लिए इस तरह से दो लाइन बार लाइन जो है हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं और बहुत ही सिंपल है 7/11। इसका जो आंसर आएगा अपने पास, अगर नंबर जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ये हमें ध्यान रखना है। 7/11 जो है क्या है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये अपन क्यूब के फॉर्म में हम इसको डिनोट कर सकते हैं और क्यूब जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने रैशनल नंबर की मेरी पहले वाली क्लासेस नहीं लगाई हैं तो इस वीडियो के राइट साइड में आपको एक आई बटन शो होगा, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो पीछे की सारी वीडियोज आप देख पाएंगे। तो अब रैशनल नंबर पर हम फाइंड कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू और वो है क्वेश्चन था हमारा 7/11। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, दो लाइन हमने यहाँ पर लगा दी हैं। इसको लिखने का एक तरीका रहता है, आंसर जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा 7/11 आंसर है। मैंने अभी बताया था अगर पॉजिटिव नंबर है तो कोई चेंज नहीं होने वाला, सेम आ जाती है। सेकेंड में अगर हम देखते हैं ये, अगर हम बात करते हैं देखो -15/17, ये दो लाइंस जो है हमने परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, एक तरह से दिख रही हैं आपको ये दो लाइनें, हमने ये ड्रॉ की, ये देखने का तरीका रहता है इसका। अब जब इसको सॉल्व करेंगे किस फॉर्म में एब्सोल्यूट वैल्यू, तो माइनस वाला जो है किस में चेंज करना है हमें, प्लस में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 15/17 आंसर। सीधा सीधा लॉजिक की अगर बात करें, नेगेटिव वैल्यू है दोनों लाइनों से बाहर आकर के पॉजिटिव हो जाए। दो जो लाइन आप देख पा रहे हैं इनसे जब ये बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, बस ये ध्यान रख लीजिए। सबसे इजी ट्रिक देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव ही था, कुछ नहीं किया हमने, इसको बाहर निकाल दिया और 7/11 क्या आ गया था हमारा आंसर, वहां नेगेटिव था ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 15/17, तो ये 15 जो है नेगेटिव था, जब लाइन से बाहर निकालना है तो क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो 15/17, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। थर्ड क्वेश्चन पर अगर डिस्कस करें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7/-3, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7/-3, ये दो लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लिखने का एक तरीका है इसको। ठीक है, लाइन्स हमें लगानी पड़ेगी। अब जब हम इनको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने से पहले इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे, इनमें तो कोई सॉल्यूशन था ही नहीं, इसीलिए हमने डायरेक्ट इनको बाहर निकाल दिया। बट यहाँ पर इस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि हम रैशनल नंबर में सॉल्व करते आए हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 जो है डिनोमिनेटर को नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में चेंज कर, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो -1/3 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाय
क्या करना है, इसको 7 अपॉन माइनस 3, और अब हम जो डिनोमिनेटर है इसको पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, और इसमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने माइनस 1 से, तो क्या बन जाएगा ये अपने पास, यहां पर अगर देखें तो माइनस 1 अपॉन 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, देखो 7 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 अपॉन माइनस 3 और माइनस 1। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सिंबल से, माइनस को माइनस सिंबल से, तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस जब भी माइनस सिंबल से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। बस तो यहां पर देखिए, तो जो 3 है वो आपका क्या आ गया, प्लस में। देखो बहुत इजी है, डिनोमिनेटर जो है आपका पॉजिटिव में चेंज हो गया। चलिए देखिए, कुछ भी नहीं है, दो लाइंस थी उसके अंदर जो कुछ भी हमें दिया हुआ है उसको सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर ये इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव में, डिनोमिनेटर पॉजिटिव में, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ नेगेटिव था, इसको हमने केवल अब पॉजिटिव में चेंज किया है और कुछ नहीं हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 एंड माइनस 7 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, जी हाँ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो इसमें आप लाइंस को एलईडीज लगाते चलेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाता है, 7 माइनस 1 एंड माइनस 7। देखें यहां पर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 7, तो जो आंसर आएगा, देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। जी हाँ, 7 हो गया अपॉन 3 3 9, ये दो लाइंस आएंगे। देखिए ये पॉजिटिव ही है, तो अब इन लाइंस को हटाने के लिए हमें बाहर निकालना है इसे, तो बाहर निकाल दीजिए। अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव में हो जाता, और पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पर 7 अपॉन 9। जी हाँ, ये हमारा आंसर आ गया। रैशनल नंबर्स को हमने सॉल्व किया, और उसके बाद जो हमारा आंसर आ जाता है वो क्या होता है, 7 अपॉन 9। इसमें जो फोर्थ है क्वेश्चन, इसको और सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं यहाँ पर, जी 1 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 6, ये तो लिखना ही है हमें, लाइंस तो लगानी है। अब सबसे पहले इन दोनों लाइन के बीच में जो भी है आपको उन रैशनल नंबर्स को उसी ऑपरेटर के साथ, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा, बिल्कुल। तो अब ये सब्सट्रैक्ट करने का जो है क्या रहता है मेथड, यहाँ पर एलसीएम मेथड से करेंगे हम। तो एलसीएम अगर हम देखें, इसमें हम यहाँ पर जो है एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 और 6, इसमें अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो 2 से डिवाइड किया, 3 में जो है 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 3 एज इट इज, और 6 को देखो अगर नहीं आता है तो मैंने पहले भी बताया था इस तरह से 2 3 6, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 3, ठीक है। अब फिर 3 से करेंगे, 3 बन जा, तो आंसर जो हमारा एलसीएम आएगा 2 × 3 = 6, 6 क्या आ गया हमारा एलसीएम। ये यहाँ पर हमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो दोनों डिजिट्स में, दोनों नंबर में क्या रखना है, 6 रखना है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको 6 बना, 1 अपॉन 3 है डिनोमिनेटर मेरा 3 है, इसको मेरे को 6 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन 3 है इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 बाई 2 से,
तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2/6। देखिए 1/3 तो क्वेश्चन में ही था हमारे पास, ये आ गया एंड इट इज एलसीएम जो है वो 6 आया, तो हमें 3 को किसमें चेंज करना है 6 में, 3 को 6 में चेंज करना है तो क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से, हो जाएगा 3 × 2 = 6। अब शर्त ये रहती है अगर डिनोमिनेटर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो जो न्यूमरेटर है उसको भी सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 या यू कैन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। नेक्स्ट क्या है अपने पास, देखिए सिंबल माइनस और ये तो डिनोमिनेटर है ही 6 तो कुछ भी नहीं करना हमें। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास अब क्या बन जाएगा, मैंने केवल 1/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया 2/6 में। ये आप इस तरह से लाइंस लगा सकते हैं, इस सारे को भी इंक्लूड करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी इसके अंदर अगर आप रखना चाहें तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं 2/6। यानी अब ये किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, इस फॉर्म में 1/3 चेंज हो गया 2/6 में और ये है 5/6 हमारे पास एज इट इज का। अब यहां से आगे अगर हम देखते हैं तो यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो ऊपर जो न्यूमिनेटर है उनको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 2 - 5, वैसे अगर हम देखें 2 में से 5 माइनस करते हैं तो पॉसिबल नहीं लगता, 5 में से 2 ही माइनस करो, कर दिया 5 में से 2 माइनस किया तो क्या 3। लेकिन जो सिंपल आएगा जो बड़ा डिजिट है आपके पास 5, किसका है नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस। जी हाँ डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर जो न्यूमरेटर है उनको सिंपल जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। तो करिए तो 2 और 5, तो 2 - 5, 2 में से वैसे तो 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 2 जो है वो क्या है स्मॉलर है, 5 क्या है ग्रेटर है, लेकिन हम 5 में से 2 ही कर लेंगे, ठीक है। आंसर तो 3 आएगा, बट यहाँ पर जो सिंबल है वो कौन सा लगा देते हैं, जो डिजिट बड़ी है, बड़ी कौन सी है यहाँ पर 5 के साथ क्या लगा हुआ माइनस, तो ये आंसर क्या आ गया -3। तो इसका जो सॉल्यूशन जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका -3/6 एज इट इज आ जाएगा नीचे, ये दो लाइंस तो लगानी है तो -3/6। अब इसको जो है ये देखिए कट हो रहा है टेबल से, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर कट करेंगे तो -1/2 ये कट हो जाएगा। देखो इसको अगर मैं ये कट करता हूँ तो ये 3 के टेबल से क्या हो जाता है कट, 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको एक दूसरी तरह से ये हम लिख सकते हैं जैसे कट करने के बजाय इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया इससे 3 से, और इसको भी डिवाइड कर दिया हमने किससे 3 से, तो 3 से 3 को डिवाइड किया तो क्या बन गया हमारे पास 1 माइनस का, 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया अपने पास 2, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसको बाहर निकाल दो, देखो सिंपल सा लॉजिक बताया था स्टार्टिंग में, अंदर नेगेटिव है बाहर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वही हमारा आंसर होगा। जी हाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/2, जी हाँ ये आपका आंसर, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो है क्या आ जाएगी 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सिंपल है, जैसी भी कैलकुलेशन है उसमें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड है तो डिवाइड करना है, और सिंबल चेंज हो जाना है कब, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो एज इट इज ही रहेगा इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू। ये हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है अपना नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन पर क्या करना है हमें रिप्रेजेंट करना है किसको, रैशनल नंबर्स को। तो ये भी बहुत इजी है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं किस पर,
नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो रिप्रेजेंट टू अपॉन फाइव, रिप्रेजेंट टू अपॉन फाइव एंड माइनस टू अपॉन फाइव एंड माइनस टू अपॉन फाइव ऑन नंबर लाइन। जी हाँ, ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम, रिप्रेजेंट करना है किसको, टू अपॉन फाइव क्या है रैशनल नंबर है और एक माइनस टू अपॉन फाइव इसको नंबर लाइन पर क्या करना है हमें रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक नंबर लाइन की जरूरत पड़ने वाली है। तो लो जी, ये हम नंबर लाइन थोड़ी ड्रॉ कर लेते हैं रैशनल नंबर्स। तो अब एक यहां पर नेगेटिव है हमारे पास, एक पॉजिटिव है, तो सेंटर में हमें जीरो लेना है क्योंकि दोनों तरफ नंबर चलने वाले हैं। ये जीरो ले लिया सेंटर में, एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर हम अगर लिखते हैं तो ये देख लीजिए यहां पर हो गया वन, ये हो गया टू और ये हो गया हमारा थ्री। सेम कर ले लीजिए आप वन टू एंड थ्री, ये सिंपल। अभी हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, कुछ भी नहीं है, हमें करना क्या है रिप्रेजेंट करना है किसको, रैशनल नंबर को, किस पर नंबर लाइन। अब क्वेश्चन देखेंगे हम, देखो क्वेश्चन है हमारा टू अपॉन फाइव और माइनस टू अपॉन फाइव, डिजिट या यूं कहें नंबर तो एक जैसे हैं, सिंबल अलग अलग है, यानी एक राइट साइड में आएगा और एक कहाँ आएगा, एक राइट साइड में आने वाला है जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है वो कहाँ पर आने वाला है लेफ्ट साइड। अब इसमें सीधा सा ट्रिक ये है, टू अपॉन फाइव देखिए पॉजिटिव वाला हम ले लेते हैं पहले, टू अपॉन फाइव मैं टू को डिवाइड करता हूं फाइव से, तो देखिए यहां पर जो है नंबर डेसिमल में आ जाएगा यानी वन से छोटा आ रहा है, एक हम भेद ले रहे हैं यहां पर, हमें कोई सॉल्व नहीं करना है पूरा, एक आइडिया लेना है हमें। फाइव से मैंने टू को डिवाइड किया, कर देते हैं देखो, तो फाइव से डिवाइड करता हूं तो डेसिमल लगाऊंगा यहां पर, सीधी सी बात है, जीरो लगा दिया फाइव, ठीक है सॉरी फोर, यहां पर ले लो फोर, फाइव फोर जा ट्वेंटी, तो डेसिमल ये आंसर जो है जीरो डेसिमल फोर के करीब आता है, वन से छोटा है, ठीक है। डेसिमल में अगर आएगा तो इसका मतलब वन से क्या रहेगा वो छोटा रहेगा, यानी अगर मैं इसको यू लिखूं जीरो डेसिमल फोर इज लेस देन वन, वन से क्या छोटा है, तो हमारे दोनों तरफ नंबर लाइन पर जो डिजिट काम की हैं केवल यही हम काम में लेंगे, बस जीरो से इधर वन तक और जीरो से लेफ्ट साइड राइट साइड में भी वन तक और लेफ्ट साइड में भी वन तक, ये हमारे काम की नहीं है इस क्वेश्चन के। एक आइडिया दे दिया हमने कि हमें जो है कहां तक नंबर लाइंस को यूज करना है, तो सिंपल सा मेथड है जो डिजिट आपको नंबर जो आपको दिया हुआ है डिवाइड करके देखें, आई पूरा नहीं करना आइडिया, ठीक है। तो डेसिमल में आ रहा है इसका मतलब वन से तो क्या है छोटा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर इस वन तक पॉजिटिव साइड में और इधर जो है इसमें हम नेगेटिव साइड में, यानी यहां तक थे। अब इसको रिप्रेजेंट करने का काम स्टार्ट करते हैं, यानी टू थ्री का यहां पर कुछ नहीं होने वाला है, पड़े रहेंगे। चलिए अब यहां पर अगर हम देखें डिनोमिनेटर दोनों में फाइव, ये एक कंडीशन है, ठीक है, ये सेम होने चाहिए तो इजी रहता है, और सेम नहीं होते हैं तो हम पहले इनको सेम कर लेते हैं, तो यहां तो अपने पास सेम ही है। तो अब देखिए टू अपॉन फाइव दोनों ही टू अपॉन फाइव, तो फाइव पार्ट यानी जीरो से लेके वन तक, जीरो से लेके वन तक का जो है आगे का तो हमारे काम का ही नहीं, मैं इसको फाइव इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं,
इसको हम हटा भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे काम का इतना ही है इस क्वेश्चन के। तो जीरो से वन तक जो है पॉजिटिव साइड में, ये हमारी राइट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट है, जी हाँ। तो अब इसको जितना आपका डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। डिनोमिनेटर कितना है, फाइव, फाइव पार्ट में, इक्वल पार्ट में, यानी थोड़ी बराबर सी लाइनें अपने को ड्रॉ करनी है। तो जीरो से लेके वन को फाइव पार्ट में हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब फाइव पार्ट में अगर डिवाइड करना है यहाँ पर, तो हम इसमें फोर लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो कैसे, वन टू थ्री और फोर, ध्यान दें पार्ट बनाने हैं फाइव, तो लाइन जो ड्रॉ होगी वो फोर ही होगी, ठीक है। देखिए फाइव पार्ट कौन कौन से हो गए, देखो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, यहां से यहां तक फर्स्ट, फिर यहां से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, हो गया ना फाइव पार्ट। जितने पार्ट में हमें डिवाइड करना है उससे कम, एक कम जो है हम उसमें लाइंस बना लेते हैं। फाइव था तो हमने देखो फोर ड्रॉ कर दिए, वन टू थ्री और फोर, सेम इधर कर दीजिए, वन टू थ्री एंड फोर। यानी मैंने क्या किया, जीरो से लेकर के वन तक पॉजिटिव साइड में भी फाइव पार्ट में डिवाइड कर दिया और नेगेटिव साइड में भी फाइव पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब फाइव पार्ट में डिवाइड करना है तो हम अगर चार लाइनें ड्रॉ करेंगे तो पांच हिस्से उसके हो जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन टू थ्री फोर और ये लास्ट वाला फाइव हो गया। यहां से अगर करेंगे ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लाइन को, तो ये अच्छे से शो हो जाएगी, ये हमारे जीरो वाली लाइन। देखो वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, फोर पार्ट और ये फाइव। अब जो जीरो से पहले वाली है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन फाइव। दूसरे वाली है इसको लिखा जा सकता है टू अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव, फोर अपॉन फाइव और लास्ट वाली है इसको लिखा जा सकता है फाइव अपॉन फाइव। वेरी सिंपल। अब फाइव अपॉन फाइव का सॉल्यूशन निकाल के देखो, फाइव अपॉन फाइव क्या आएगा, वन ही आता है, देखो वन पे ही है, ये क्या है वन, फाइव अपॉन फाइव क्या है, इसका मतलब वन सही। चलिए इधर सेम, वन अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव, फोर अपॉन फाइव एंड फाइव अपॉन फाइव, ये नेगेटिव है तो दोनों तरफ सेम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, फाइव पार्ट में डिवाइड करके और नंबर्स को उसके ऊपर क्या कर दिया, लिख दिया। तो यहां से यहां तक वन अपॉन फाइव, फिर टू अपॉन, थ्री अपॉन, फोर अपॉन और ये जो है फाइव अपॉन फाइव। देखिए ये फाइव अपॉन फाइव क्या हो जाएगा, वन, और यहां पे भी देखिए फाइव अपॉन फाइव, क्योंकि नेगेटिव होंगे ना सारे, ये नेगेटिव है ये, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा यहां पर, वन। अब यहां पर देखें हमारा जो है हमें चाहिए क्या है, पॉजिटिव साइड में टू अपॉन फाइव। तो देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर है, टू अपॉन फाइव ही चाहिए था। नंबर लाइन पर क्या दिखाना है हमें, टू अपॉन फाइव, देखो मिल गया। दूसरी तरफ चलते हैं, ये पड़ा, ये क्या है आपका, ये आंसर है सेकंड। तो ये तो हो गया आपका माइनस टू अपॉन फाइव, बिल्कुल है, और ये क्या आ गया आपका टू अपॉन फाइव। इस तरह से हम नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।